तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका 9DSRB में। क्या चाल आप सभी का, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी KD रेशो बढ़ा सकते हैं PUBG मोबाइल लाइट के अंदर। काफ़ी सारी आपने बेशक वीडियोस देखी हो, लेकिन जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ उनसे भाई आप अपनी KD बहुत ज़्यादा कर सकते हो और प्लस मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपको मैं टिप्स ट्रिक्स दूंगा और कुछ आपको प्लस पॉइंट लास्ट में बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे। उससे आपकी KD घटेगी नहीं, उल्टा आपकी KD बढ़ेगी। ठीक है, घटाना तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन बढ़ेगी आपकी KD अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली से वीडियो को ना पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन भाई जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है भाई, जो कि डाउट्स मैं आपको मतलब आपके क्लियर करने वाला हूँ KD रेशो के मामले में। ठीक है, तो आज के बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े KD रेशो के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से मतलब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी एक बार अपना प्ले स्टोर ओपन करके मैं भी दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ पहले। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर कॉइन मास्टर सर्च करना होगा और साइड में ऊपर 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ पर जाकर फ्लैग ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर कंटेंट रेटिंग आपको इस गेम को दे देनी होगी, क्योंकि भाई मेरे दूसरे चैनल पर बहुत एक इशू चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है, मेरे दूसरे सब्सक्राइबर लोग। तो इसको थोड़ा फ्लैग वगैरह मरवाओ, इसकी रेटिंग थोड़ी डाउन होगी तभी यार वो अच्छे इवेंट वगैरह देगा उस गेम में। तो आपको नहीं पता होगा इसके गेम के बारे में, लेकिन भाई आपको ये जरूर काम करना होगा। तो जल्दी से ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जल्दी से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले KD रेशो होता क्या है, क्योंकि मतलब काफी सारे नए बंदे होंगे जिनको KD के बारे में नहीं पता। तो KD भाई होती है किल टू डेथ, यानी कि आपने अपनी डेथ पर कितने किल लिए, यानी कि मरने से पहले आपने कितने किल किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मतलब एक मैच में 5 किल कर दिया और आपका फर्स्ट मैच है, तो भाई एक मैच किया और 5 आपने किल किए, तो 5/1 यानी कि आपकी KD रेशो हो गई 5 की। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपने फर्स्ट मैच किया, उसमें आपने 10 किल किए, ठीक है, और आप वो मतलब 10 किल करके मर गए, ठीक है, बीच में ही मैच के। अब आपने सेकंड मैच किया, उसमें फिर से आपने 10 किल किए और फिर से आप मर गए, तो आपकी दोस्तों KD रेशो होगी, यानी कि टोटल स्किल हुए आपके 20 और आपने मैच खेले 2, तो 20/2 यानी कि आपकी 10 की KD हो गई। अगर आपने दोनों मैचेस को जीत लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दोनों मैचेस को जीत लिया और आपके 10-10 किल्स थे, तो आपकी KD भाई 20 की हो जाएगी, क्योंकि जो अगर आप चिकन डिनर करते हो मैच जीत जाते हो तो मैच काउंट नहीं होते, ये एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो KD के बारे में तो भाई मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई कि कैसे हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। देखो भाई, PUBG मोबाइल लाइट हो या फिर PUBG हो, देखो जो हाईली मतलब प्रो प्लेयर है, अभी मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, लेकिन भाई जो प्रो प्लेयर होते हैं वो प्रो इसलिए होते हैं क्योंकि भाई उनका डिवाइस भी प्रो होता है। ठीक है, तो डिवाइस अगर आपका एक अच्छा है, तो अगर बिना लैग का डिवाइस है, बहुत अच्छा डिवाइस यूज करते हो, तो आपकी KD भाई अच्छी होगी। ठीक है, जो मैं टिप्स बताऊँ, प्लस जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके भाई लैग वगैरह करता है फ़ोन, लेकिन फिर भी आप अपनी KD बढ़ा सकते हो, ये भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, जिनके पास लो एंड डिवाइस है या हाई डिवाइस है, दोनों के लिए मैं मतलब पूरी वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगी इस वीडियो को मतलब बनाने में, काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्राई किया, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने देना बात, वो दोस्तों ये है कि आपको रैंडम्स के साथ बिल्कुल नहीं खेलना है। ठीक है, क्यों नहीं खेलना मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, रैंडम के साथ कभी भी आप अच्छे से टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं मतलब कभी कभी तो क्या होता है आप माइक वगैरह भी ऑन नहीं करते और उनकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते, वो आपकी नहीं सुनना चाहते, तो रैंडम के साथ भाई आपको बिल्कुल नहीं खेलना है। ओनली आपको खेलना है अपनी टीम के साथ, अपनी स्क्वाड के साथ। ठीक है, अगर आप अपनी स्क्वाड के साथ खेलोगे तो भाई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे भी भाई KD का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हो तो मतलब पूरा आप सही से करोगे, पूरा कोऑर्डिनेट आपकी टीम के साथ होगा। ठीक है, तो आपके मतलब डेथ होने की मतलब जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगी और मतलब आपको फायदा होगा। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास स्क्वाड नहीं है, अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, तो वहाँ पर बहुत सारे बंदे दोस्तों रोजाना जुड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर आप आइए दोस्तों, उनसे आपस में मतलब बात कीजिए, आप एक दूसरे के साथ ID शेयर करके पर्सनली मतलब उनको DM करके वहाँ से बोल सकते हो कि भाई आप मेरी स्क्वाड में मतलब ज्वाइन वगैरह होना चाहोगे। तो काफ़ी प्रो प्लेयर मतलब प्रो आप भाई किससे बनोगे वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, प्रो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ से आप दोस्तों अपनी एक स्क्वाड सिलेक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा रहता है भाई अपनी स्क्वाड के साथ खेलना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो दूसरी ट्रिक है ना, उससे क्या होगा कि आपकी केडी बढ़ेगी प्लस आपकी केडी घटेगी भी नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी मतलब आप गेम खेलो तो ट्राई करो कि आप पूरा का पूरा मतलब आप चिकन डिनर करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके दो किल्स भी हैं, ठीक है, आपने मान ली दो किल्स किए पूरे मैच में और आपने चिकन डिनर कर लिया, तो मैच काउंट नहीं होगा, लेकिन जो आपने दो किल्स किए ना वो दोस्तों आपके जरूर काउंट हो गए। तो कुछ ना कुछ आपकी केडी पर फर्क पड़ेगा, यानी कि बढ़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से ये सोचकर मैच खेलना है कि आपको भाई जीतना है, मैच चिकन डिनर करना है। तो दूसरी टिप आपके लिए ये हो गई। अब दोस्तों मैं तीसरी जो टिप्स बोल लीजिए ट्रिक्स बोल लीजिए बताने वाला हूँ, वो दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइड है। अगर आप मतलब दो प्रकार से है, या तो आप हॉट ड्रॉप्स करके, क्योंकि हॉट ड्रॉप्स अगर आप करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा केडी इंक्रीज होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जिनका मोबाइल लैग नहीं करता, जिनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। वो दोस्तों हॉट ड्रॉप्स करके, जैसे कि अपना हॉट ड्रॉप्स अभी स्टेडियम है, ठीक है, स्टेडियम, ओल्ड बेसिन, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हॉट ड्रॉप्स होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा स्क्वाड उतरती हैं, तो हॉट ड्रॉप्स आप अगर आपके पास अच्छा डिवाइस वगैरह है तो आप हॉट ड्रॉप्स करके अपनी केडी बढ़ा सकते हो। उतरने के साथ ही एक दो स्क्वाड को पेल दीजिए, अगर स्किल्स आपके पास अच्छी है तो इससे आपकी केडी भाई 100% बढ़ेगी, और थोड़ा सावधानी से आप खेलोगे तो, ठीक है। तो ये होगा मतलब जिनके पास अच्छे डिवाइस है। और भाई वहाँ पर भी आपको ना, अगर आप पुश कर रहे हो मतलब किसी भी घर में, अगर आपको दो बंदे दिख जाते हैं, तीन बंदे दिख जाते हैं, तो अकेले मत घुसा करो, क्योंकि भाई कुछ कर लीजिए, आपके पास कितने भी मतलब आप वेपन्स, कितनी भी वेस्ट थर्ड लेवल कुछ भी हो, लेकिन भाई तीन बंदे सामने हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब कभी कभी तो हम अच्छा कर लेते हैं, तीनों को पेल देते हैं, लेकिन यार ऐसा हर बार नहीं होता। तो आप कोशिश करिए कि अपनी स्क्वाड के साथ पुश करें या रस करें। अब बात कर लेते हैं जो हॉट ड्रॉप्स नहीं करते, मतलब जिनके पास ऐसे डिवाइस है जो हॉट ड्रॉप्स नहीं कर सकते, मतलब लैग हो जाता है भाई जहाँ पर ज़्यादा बंदे होते हैं, तो वो क्या करें। अब मैं उनको भी एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि उनकी भी केडी इंक्रीज हो सकती है। तो भाई आप लोगों के लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों। आपको ना मतलब थोड़ा सेफ उतरना है, ऐसी जगह पर उतरना है जहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्वाड मिले, एक स्क्वाड से मतलब कभी कभी ड्यूओ में मिल जाए, ठीक है, मतलब बंदे ड्यूओ से स्क्वाड भी करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्क्वाड ना मिले, ऐसी प्लेसेस को आपको ढूंढना होगा, थोड़ी सी सेफ प्लेस, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा कि आप एक दो बंदे वहाँ से किल कर दोगे, उसके बाद भाई वहाँ पर बोट्स वगैरह भी आते हैं, क्योंकि सेफ प्लेसेस पर बोट आते रहते हैं, तो भाई बोट भी बहुत ज़्यादा अपना साथ देते हैं जब मतलब आपके किल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेनली आपको किल्स पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद भाई सेफ खेलोगे, जब आप टॉप 20 में आपको लगे कि मैं टॉप 20 में पहुंच गया हूं, उसके बाद भाई आप थोड़ा सा रश खेलिए, उसके बाद आप सिंपली से रश कर सकते हो बंदों पर, क्योंकि आपको लूट भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, और जब आपके पास लूट अच्छी होगी तो आप रश अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए अगर आपके पास लो एंड डिवाइसेज है, ठीक है। मैं दोस्तों जो ट्रिक्स फॉलो करता हूं ना, उससे मतलब 100% मुझे बेनिफिट होता है, तो आपको भी होगा। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो जरूर करना, ठीक है। अब मैं एक और बता देता हूं भाई, एक और जो चौथा पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपका एक किल होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि भाई अपना लक साथ नहीं देता और हम मतलब पूरे मैच में ना मतलब बंदों को ढूंढते रह जाते, लेकिन किल समय नहीं मिल पाते, अगर क्योंकि यार क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है यार, किस्मत है अपनी, ठीक है। तो अगर आपका एक किल हो या दो किलो या तीन किलो, आपको लगे कि भाई मेरा तो बहुत किल है, तो क्या करिए आप भाई मतलब ना अपनी थोड़ी स्क्वाड को आगे कर दीजिए, क्योंकि तब क्या होगा कि आपकी स्क्वाड के किसी बंदे के पास ज़्यादा किल्स होते हैं। ऐसा दोस्तों आपके साथ हुआ होगा कि आपके एक दो किलो और आपके बंदे मतलब जो स्क्वाड में है वो 10-10-12 वाला किल्स लेके बैठे हैं, लेकिन आपको शायद बंदा नहीं दिखा हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करिए भाई, उस टाइम ना तीन किलो होने के बाद मतलब अपने टीममेट्स पर छोड़ दीजिए मैच को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब मारोगे नहीं बंदों को, थोड़ा सेफ हो जाइए, अपनी सिर्फ अपने लिए सेफ हो जाइए, अपनी टीम के लिए नहीं, मतलब टीम पर छोड़ दीजिए, और मतलब डिसाइड करिए कि आपको चिकन डिनर लेना है आप तीन किल्स पर ही, तीन या चार किल्स पर ही, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका मैच तो काउंट मतलब मैच काउंट नहीं होगा, लेकिन केडी आपकी प्लस हो जाएगी। ये भी बहुत मेन पॉइंट है भाई, इसको ज़्यादा जरूर नोटिस करना आप सभी। इसके बाद भाई एक और जो टिप्स बोल लीजिए ट्रिक्स बोल लीजिए वो निकल के आती है कि भाई आपको एक ना प्लेस सिलेक्ट करनी होगी, एक हॉट ड्रॉप सिलेक्ट करना होगा, और भाई वहाँ पर पूरी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसा कि अभी मैं जब भी मतलब अपने बंदों के साथ खेलता हूँ, अपनी स्क्वाड के साथ या डीओ में अपने स्क्वाड के साथ खेलता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई मैंने मतलब एक सिलेक्ट करके रखी एक दो प्लेसेस, जैसे कि हम हर बार स्टेडियम उतरते हैं, बहुत अच्छा हॉट ड्रॉप है वहाँ पर, आप हमको मतलब कभी कभी तो क्या होता है कि तीन स्क्वाड भी देखने को मिल जाती है, मैंने तो चार स्क्वाड भी वहाँ पर देखी है और सारों को मतलब पहला भी और निपटाया भी है। तो भाई इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा भाई चांसेस बन जाते हैं कि आपके किल्स ज़्यादा हों। तो भाई हॉट ड्रॉप सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप मतलब बार बार वहाँ पर उतरोगे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा मतलब ऊपर से आपको दिख जाएगा भाई कि यहाँ पर गन है तो मुझे यहीं पर लैंड करना है, और उतरने के साथ ही आपको UMP AKM जो मिले बंदों को आप ईजिली पेल सकते हो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भाई वहाँ पर। तो एक हॉट ड्रॉप चुन लीजिए, जैसे कि अभी हॉट ड्रॉप मैंने दो सिलेक्ट करके रखे हैं अपने लिए, तो ठीक है, जैसे कि एक स्टेडियम हो गया, एक दोस्तों ओल्ड बेसिन हो गया, वहाँ पर भी एक दो स्क्वाड आ जाती हैं, ठीक है। तो भाई ये कुछ टिप्स
ट्रिक्स थी जिनसे मैंने मतलब आपको बताया कि आपकी केडी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब भाई जिनकी मान लीजिए 3 या 4 की केडी है, उनको बढ़ानी भी है प्लस दोस्तों मेंटेन भी रखनी है, तो कुछ टिप्स ट्रिक्स मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिनसे आप अपनी केडी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको हर मैच में कम से कम 5 या फिर 6 एनिमीज किल करने हैं, और इनमें से भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, कम से कम 2 या 3 तो आपको बोट्स ही मिल जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा बोट्स अभी आते हैं आपको पता होगा, तो केडी आपकी इंक्रीज करना कोई दिक्कत वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान थोड़ा सा रखिए कि हर मैच में आपको 5 या फिर 6 किल्स करने हैं, ठीक है। और एक बात भाई, अगर आपको अपनी केडी मेंटेन करनी है, अगर आप मतलब कभी भी ना अपनी स्क्वाड के बिना पुश मत करिए, ठीक है, चाहे ऊपर 3 बंदे हो 2 बंदे हो, पहले मैंने बता दिया आपको, कभी भी आपको बिना वजह पुश नहीं करना है। नेड्स का इस्तेमाल करिए, स्मोक्स का इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने घर है, स्क्वाड हाउस है, उसमें 4 बंदे, आपको पता है भाई पोजीशन थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो अगर मतलब ना जो काम एक नेड कर सकता है वो भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका नेड सही हुआ तो भाई पूरी की पूरी स्क्वाड खा सकते हो आप अकेले, और 4 किल्स आपके ईजिली हो जाएंगे। और प्लस अगर आपने नेड कर भी दिया और भाई बंदों को मतलब किल्स नहीं आए, नोक नहीं हुए, तो क्या होगा कि आपने नेड किया तो भाई कुछ ना कुछ डैमेज ऊपर बंदों को जरूर पड़ेगा। तो भाई नेड्स और स्मोक्स का जरूर यूज़ कीजिए, मोली का यूज़ कीजिए, ये चीज़ भाई दी इसलिए गई है ताकि आप यूज़ करो, ये भी बहुत अच्छी एक टिप्स ट्रिक्स निकल के आती है, ठीक है। अगर भाई एक और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके मैच में कम किल्स हो तो कोशिश करिए चिकन डिनर करने की। मैं दोबारा बता देता हूँ, चिकन डिनर किया अगर आपने मैच जीता तो मैच काउंट नहीं होगा, लेकिन आपकी केडी में मतलब जितने किल्स होंगे वो काउंट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 0 किल्स पर चिकन डिनर किया तो आपकी केडी पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी लोगों के मिथ होते हैं जो मैंने क्लियर कर दिया। मतलब अगर आप 0 किल्स पर भी चिकन डिनर करते हो ना तो भी आपका फ़ायदा ही है, तो चिकन डिनर करने की कोशिश करो। चिकन डिनर कैसे करने हैं टोटली मैंने आपको मतलब सारी डिटेल बता दी। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉन्करर पुश करना है, ठीक है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, 7 दिन में आपको कैसे कॉन्करर पुश करना है, तो उस वीडियो का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस दोस्तों मैंने यही नहीं बताया कि कॉन्करर कैसे पुश करना है, मैंने आपको कुछ ऐसा ही बताया कि आप मतलब सेफ भी नहीं खेलोगे, मतलब पूरा आप अच्छे से खेलोगे और आपका गेम प्ले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी आप ऐसी नुबड़ापंथी नहीं करोगे, आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो उस वीडियो को जाकर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा हमारा, और हमारे चैनल पर एक गिवअवे चल रहा है, मतलब विनर पास का गिवअवे है, तो उस गिवअवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा तरीका थोड़ा पसंद आया होगा समझाने का, और मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस पर तभी आपके लिए वीडियो बनाया। तो मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।